मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के मामले में एक ही दिन में राज्य सरकार ने जांच की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने पीपल अस्पताल में जीएमसी के 6 डॉक्टर्स की टीम भेजी। टीम ने क्लिनिकल ट्रायल दफ्तर में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रायल प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, परिजनों से बात किए बिना शाम तक रिपोर्ट दे दी। कमेटी का कहना था कि उन्हें सिर्फ ये जांचना था कि अस्पताल ने ट्रायल प्रोटोकॉल का पालन किया कि नहीं। सरकार ने जब इस बात का जवाब मांगा तो उन्होंने फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का राग अलाप दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो हर समय अराजकता का माहौल बनाते हैं। पहले जांच नहीं हुई तो उस पर सवाल था और जांच हो गई तो सवाल। तो चाहते क्या है दिग्विजय, क्या अव्यवस्था का माहौल बने? वैसे जांच के लिए तो डॉक्टर्स ने फिर भी 6 से 7 घंटे लगाए हैं। सरकार तो आरोप लगते ही क्लीन चिट देने लगी थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु चौधरी ने एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रायल के प्रोटोकॉल के तहत प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने दीपक की सेहत में हो रहे बदलावों का फॉलोअप लिया था? बीमारी की जानकारी मिलने पर भी अस्पताल से डॉक्टर घर क्यों नहीं आए? वैसे हमारा सिस्टम कितना सजग है इसको इस बात से समझिए कि खबर चलने के बाद भी 8 जनवरी को ट्रायल टीम ने टीके के दूसरे दिन डोज के लिए दीपक के घर कॉल किया था। ये बात उनके बेटे ने बताई, क्योंकि टीके के दूसरे डोज वाले वॉलंटियर्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं हटाया गया था। फिर भी सरकार को लगता है कि लापरवाही हो ही नहीं सकती, तो हम क्या कह सकते हैं? हम फिर साफ कर दें, सवाल वैक्सीन की गुणवत्ता का नहीं, इस सिस्टम का है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।